हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी एक्स सर्विसमैन, खासकर जो है डिफेंस पर्सनल, रिटायर्ड और जो वर्किंग पीपल है उनके लिए बात करेंगे हम। और बेसिकली जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। और ये काफ़ी अच्छी खबर है, जो भी डिफेंस पीपल हैं जो कि वर्किंग हैं और जो रिटायर्ड है उन सब के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जो भी डिफेंस पीपल हैं उनको जो है डिफेंस की तरफ से ही जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ स्कीम मिलती है, जो कि ECHS स्कीम है, जो कि बोथ वर्किंग और जो कि रिटायर्ड पीपल एक्स सर्विस मैन है उन सबको मिलती है। जिस एरिया में जो है ये ECHS फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है उन लोगों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है, और जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे जो है इनको जो है प्रॉपर ECHS की फैसिलिटी मिलती है। ECHS एक बहुत बड़ा नाम होगा इस समय। ECHS ने स्मार्ट कार्ड भी इशू कर रखे हैं, जिसमें कि आप अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको एक 64 KB का स्मार्ट कार्ड मिलेगा। वो स्मार्ट कार्ड आपकी जो है आइडेंटिटी होगी, उस स्मार्ट कार्ड के थ्रू सारा कुछ होगा, सारा चीज़ कैशलेस होगा। इसके अलावा जो है सारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डॉक्टर से कंसल्टेंट, सब कुछ आप जो है स्मार्ट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। बेसिकली हर मंथ या हर ईयर कुछ ना कुछ जो है मीटिंग्स होती हैं, जिसके थ्रू जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं दैट आर प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशरीज दे आर इन्हेंस्ड, उसको चेक किया जाता है। नंबर ऑफ पॉलीक्लिनिक्स जो है ऐड होते हैं, अगर कोई पॉलीक्लिनिक्स एज पर द क्राइटेरिया काम नहीं कर रहा तो उनका जो है कैंसिलेशन होता है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो है जो भी आपको हेल्थ बेनिफिट लेना है वो आप ECHS से लेते हैं, और जो लोग नहीं ले पाते उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस हर मंथ मिलता है, क्योंकि उस एरिया में ECHS की फैसिलिटी नहीं है। अब जो लेटेस्ट जो अच्छी चीज़ की है ECHS बेनिफिशरीज़ के लिए वो ये है कि अगर नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तब जो है डॉक्टर्स के पास जाया जाता है, अब ECHS ने एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है स्टार्ट किया है। अब ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से आप क्या करवा सकते हैं कि कुछ इंटरवल के बाद से, जैसा कि अभी जो ECHS का जो लेटेस्ट ऑर्डर है उसमें बताया गया है कि आफ्टर 40 कुछ तरह के डिजीज़ होते हैं, 45 to 50 कुछ तरह के डिजीज़ होते हैं जो कि कॉमन है, होते हैं उसमें। तो एक चीज़ ये है कि जब डिजीज़ होने के बाद से आप ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि पहले जो है उसका जो है पता चल जाए, तो अल्टीमेटली उसके लिए कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो ECHS ने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक नया सिस्टम शुरू किया है। इस सिस्टम में जो है डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं जिसके थ्रू जो है आप अपना चेकअप करा सकते हैं। अगर हम बात करें जो ग्रुप ऑफ एज है 40 से 59 ईयर्स का जो है, इसमें जो है 5 साल के अंदर आपको एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराना पड़ता है, और ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से है, ये सिर्फ ECHS बेनिफिशरीज के लिए है। एक तो ये भी है कि आप अपना खुद हेल्थ चेकअप कराते हैं, बट एक ये फैसिलिटी आपको मिल रही है ECHS के थ्रू कि आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं। इन केस अगर कोई भी छोटी सी इश्यूज है जिसको कि उसी टाइम पे जो है कंट्रोल किया जा सके तो वो वहाँ पे पता चल जाएगा और वहाँ पे उसका जो है ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे कि इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो अगर मेल और फीमेल डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बताए गए हैं तो वो टेस्ट होंगे, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में फिर दोबारा उस टेस्ट को किया जाएगा। और अल्टीमेटली क्या है कि जो आप डिजीज़ होने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं पहले ही आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा और उसका उपचार शुरू हो जाएगा। देन दूसरी कैटेगरी बनाई है 60 to 79 ईयर्स, इसमें जो फ्रीक्वेंसी बना रखी है वो 2 साल, हर 2 साल में, क्योंकि यहाँ पे जो है डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज के अकॉर्डिंग। जो 40 से 60 साल तक है उसमें 5 साल के अंदर अंदर कर रखा है कि एवरी 5 ईयर्स यू हैव टू गो फॉर ए चेकअप ऑफ दीज आइटम्स, और 80 एंड अबव में हर साल जो है हेल्थ चेकअप मिल रहा है। इसलिए जो है ये 40 से लेके 80 एंड अबव तक का जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा रखा है, जो कि आपको ECHS के पॉली क्लिनिक में ही आपको जाके अपना हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा।
दोस्तों बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अल्टीमेटली एक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, अगर आप बाहर किसी प्राइवेट से करवाते हो तो आपको 3,000 3,500 से भी ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, और आपके पास ECHS का कार्ड है। विद इन दिस वैलिडिटी की अगर आप 40 से 60 ईयर्स के बीच में हैं तो आप जो है हर 5 ईयर्स में अपना फुल बॉडी चेकअप करा सकते हैं। उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि कौन कौन सी मेन मेन चीज़ें हैं जिसको कि चेकअप करवाना चाहिए। तो दोस्तों जिन जिन के पास ECHS के कार्ड हैं, जो जो ECHS के बेनिफिशरीज हैं, उनको ये ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। जहाँ पे अभी ECHS की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है वहाँ पे इशू है, बट वो लोग अपना फिक्स मेडिकल अलाउंस ले सकते हैं और बाकी अपने लेवल पे ही उनको चेकअप कराना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट, सभी एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पीपल, वर्किंग और रिटायर्ड। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।